हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सुल्तान। ये मूवी हमारे मुंबई में तमिल और तेलुगु ये दोनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है और मुझे दोनों लैंग्वेज नहीं आती। मैं तो सबटाइटल से काम चला लिया, लेकिन अगर आपको इसको हिंदी में देखना है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 40 मिनट की, और कहानी में किस तरह से बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि भाई एक गैंगस्टर है जिसके पास बहुत सारे हेंचमैन है। अब उस गैंगस्टर को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है विक्रम, एक ए सुल्तान। अब वो सुल्तान बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो बन जाता है इंजीनियर। अब वो जब वापस अपने घर आता है, वो चाहता है कि जितने भी उसके घर में हेंचमैन है यानी गुंडे हो गए, वो लोग सुधर जाए और एक नॉर्मल लाइफ जिए। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और सुल्तान की ज़िंदगी में आती है रुक्मणी। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, ये एक टिपिकल साउथ मसाला एंटरटेनिंग मूवी है, और इसकी जो कहानी है वो काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगेगी दूसरी और साउथ की मूवीज से। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस मूवी को एग्जीक्यूट किया है, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप पूरी तरह से इस मूवी में एंगेज होते हो बिकॉज ऑफ द इमोशंस। जो एक इमोशन वाला एंगल यहाँ पर डाला है ना भाई, वो ऐसा है जो प्लस पॉइंट इस पूरी मूवी का। और फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग इजीली कनेक्शन भी बना लेते हैं। उसके अलावा मूवी में कार्थी और रश्मिका इन दोनों के बीच की जो एक रोमांटिक एंगल डाला है ना, वो एक रिलीफ है ऑडियंस के लिए। और वो जितना भी पोर्शन था ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और उस टाइम पे मुझे हंसी भी आ रही थी और एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से की गई है, स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंस है। यहाँ पर ज़्यादा एक्शन तो देखने को नहीं मिले, लेकिन एक एक्शन सीक्वेंस है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जहाँ पर हमें गरुड़ा नज़र आते हैं, वो जस्ट इंटरवल से पहले। भाई वो इतना धमाकेदार एक्शन सीन है, और वहाँ पे जिस तरह से कोरियोग्राफी की है ना यार, बहुत ही मज़ा आता। और साउथ की मूवी में यही तो मज़ा है कि मतलब आपको नेक्स्ट लेवल एक्शन सीन देखने को मिलता है, और वहाँ पर एक अलग ही मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। और भाई गरुड़ा को फिर से एज अ विलन देखने का मतलब यार बड़े स्क्रीन पर एक अलग ही एहसास है। और मैंने सोचा नहीं था कि केजीएफ के बाद हमें राम, उनका शायद नाम राम है, वो हमें फिर से नज़र आएंगे। और वाकई में यार कहना पड़ेगा भाई बहुत ही गजब के विलन है। मूवी का बीजीएम अच्छा है, सॉन्ग सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, और विजुअली भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है अपने सामने। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई नो डाउट वन मैन शो कार्थी, स्टार्ट से लेके एंड तक वो बंदा जिस तरह से परफॉर्म करता है, मैं उनकी सेकंड मूवी देख रहा हूँ, ये बहुत ही शर्म की बात है, मगर मैं उनकी सेकंड मूवी देख रहा हूँ आफ्टर कैथी। तो यार एक बहुत ही गजब के सुपरस्टार है, उनका एक अलग करिश्मा है, एक अलग स्टाइल है जो कि हमको स्क्रीन पर समझ में आता है। और जो उनकी प्यारी से स्माइल है ना भाई, करोड़ों लड़कियां आराम से फिदा हो सकती है कार्तिक की स्माइल पे। और रश्मिका मंडाना की बात करो तो उनका इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी है बंदी भाई बंदी में दम है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, और स्पेशली इस तरह का परफॉर्मेंस हो तो यार जवाब नहीं है। और भाई जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर थे सब लोगों ने अपने हिस्से के काम को अच्छी तरह से किया है। मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करूँ तो जो विलन है, चाहे वो हमारे गरुड़ा भाई साहब हो या वो नवाब शाह, इनका कुछ खास यूटिलाइज नहीं किया यार। मतलब वो विलन वाली बात नहीं आई, मतलब वो फील नहीं आ रही थी। सुल्तान आराम से इन लोगों को हरा दिया, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे नेगेटिव लगी। उसके अलावा जो क्लाइमेक्स था, क्लाइमेक्स में समझ लो कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक शर्ट है कि मैंने यहाँ तक फाड़ी, वो शर्ट यहाँ तक फट गई है, लेकिन वो पूरी नहीं फटी और वहाँ पे क्लाइमेक्स खत्म। मतलब थोड़ा सा अधूरापन लगा मुझे क्लाइमेक्स में, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर ठीक है, जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि यार फिल्म मेकर्स की अपनी एक इमेजिनेशन होती, अपना एक विजन होता हर एक चीज़ को लेकर। तो उन्होंने अगर इस तरह का क्लाइमेक्स यानी कि एक अधूरा सा क्लाइमेक्स सोचा डिसाइड किया तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन यार वो थोड़ा और ज़्यादा होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। मूवी की जो लेंथ है वो एक और नेगेटिविटी है, तो 2 घंटे 40 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। इस मूवी के अगर 10 मिनट या 15 मिनट एडिट कर दिया जाता तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता। खैर पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये मूवी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, जो आप लोग अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8/10। यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।